गुना में अलग अलग पार्टी के अलग अलग संगठन के जो मातृ समाज के प्रमुख नेता हैं उनको हमने संगठन किया हुआ है। और वो इसलिए किया हुआ है कि हमारा एक पवित्र विचार है जो कई सालों से हमारी जो मांगे हैं, आज तक कोई भी पार्टी की सरकार आई तो हमारी मांगे की तरफ ख्याल नहीं करती। हमारी जो डिमांड है हमारे समाज के लिए अवकड़ बोल के जो हमारा वर्गीकरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अन्नाभाव साठे महामंडल जो बंद है वो शुरू करने की हम मांग की है। दूसरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लवजी वस्त्र के नाम से मातंग आयोग की स्थापना की है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो रही है, वो जल्दी से शुरू करो, ऐसी हमारी मांग है। तीसरी मांग हमारी चौथी मांग ये है कि बाल्टी के धरती पर बाल्टी के जैसा ही हमारा मातंग समाज का शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास होने के लिए वहाँ पे आरटी की स्थापना करनी चाहिए जो आरटी के माध्यम से हमारे समाज का विकास हो सकता है, हमारे समाज को उसकी समृद्धि मिल सकती है। इस तरीके से हमारे जो महामानव अन्नाभाव साठे जी उनको भारत रत्न किताब मिलना चाहिए। वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के साहित्यिक थे, लेखक थे, कामगार नेता थे और बड़ा उनका योगदान था इस देश के लिए स्वतंत्र के लिए, तो ऐसे महामानवों को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला, यह हमारी समाज की मांग है। उसी तरह अन्नाभाऊ साठे का स्मारक बॉम्बे में होना चाहिए, राष्ट्रीय स्मारक लवजी वस्त्र स्मारक पुणे में होना चाहिए। ये मांग कई सालों से हमारे समाज के जमात के लोग कर रहे हैं। हर एक संगठन अपने तरफ से मोर्चा निकाल रही, उपोषण कर रही, वहाँ पे धरना धर रही है लेकिन कोई भी पार्टी की सरकार हमारे तरफ ख्याल नहीं कर रही क्योंकि हम बिखर गए। अभी वो बिखरे हुए सब लोगों को हम इकट्ठा करके हमारी एक ताकत ये मातंग स्पीक के दरमियान एक मातंग समाज की आवाज एक बुलंद आवाज महाराष्ट्र में हर एक जिले में हम कर रहे हैं। उसकी शुरुआत हमने पुणे से की, पुणे के बाद में सोलापुर गए, सोलापुर से कोल्हापुर गए, कोल्हापुर से अभी औरंगाबाद है। इस तरीके से पूरे जिले महाराष्ट्र के हम घूमकर मातंग समाज में हम अवेयरनेस करने वाले, जागृति करने वाले और कोरोना के बाद में एक बड़ा दिव्य भव्य मोर्चा हम मुंबई में निकाल के मंत्रालय को घेरा डालेंगे। और हमारी जो मांगे ये मांगे जब तक हमारी पूरी करती नहीं है तब तक हमारा आंदोलन शुरू होने वाला है। ये हमारा आंदोलन कोई जात और धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारी लोकशाही के लोकतंत्र के माध्यम से बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हमारी ये मांग है और हम चाहते हैं कि हमारे लोकसंख्या के हिसाब से हमारे को न्याय इंसाफ मिलना चाहिए और हमारी ये पूरी पवित्र मांग हम पब्लिक के हमारे लोकशाही के माध्यम से करने वाले। सर आपने अभी आरक्षण के बारे में कहा तो मुस्लिम समाज भी बहुत पिछड़ा हुआ है, गवर्नमेंट के पास इसकी रिपोर्ट है, क्या आप मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की डिमांड भी करेंगे? मुस्लिम समाज के आरक्षण के लिए हमारे मातंग समाज ने पहले भी उनको पाटिंबा दिया है। पुणे में जब मोर्चा निकला तो मैंने खुद उसमें अग्रसर भाग लेके हमारे मातंग समाज के लोग थे, बौद्ध समाज के लोग थे, काफी लोग थे, हम जो जो आरक्षण मांग रहा है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। मराठा भाई के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं हम, हमारे जो धनगर भाई है माली भाई उसके भी, हमें कोई दूसरे जमात के आरक्षण के लिए हमारा विरोध नहीं है, उनको भी मिलना चाहिए, जो जो उपेक्षित है उनको मिलना चाहिए, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे मातंग समाज का ये धोरण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पा रहा है ना आरक्षण, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई है वो न्यायालय से करना चाहिए, हमने हमारे जमात की तरफ से उधर वकील देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, और ताकि जो घटने में जो प्रोविजन की है उसका वापस दिखाकर संविधान के माध्यम से हमें हमारा हक छीनना चाहिए।